नमस्कार प्रिंसिपल साहिबा, कैसे हैं आप? अरे एमएलए साहब, अचानक से। मैडम ये हमारा बेटा है वंश। बेटा पैर छुओ मैडम के। आप बस बस। इस साल इसने बड़ी मेहनत और 12वीं में 55% अंक लाया है और जिद लगा रखी है कि इंजीनियरिंग करेगा और वो भी इसी कॉलेज से। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप इसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए। ये बड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगा। नीरज कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो, मैं आती हूँ। देखिए मेरे साहब, 55% तो बहुत कम है। हमारे कॉलेज की कट ऑफ ही 90 से शुरू होती है। प्रिंसिपल साहिबा, क्या है ना, ये जो कट ऑफ होता है ये तो आम लोगों के लिए होता है, और ये तो एमएलए का बेटा है। कोशिश करके देखिए, सब हो जाएगा। और रही बात डोनेशन की, तो फिर बस आप रकम बताइए। आप समझ नहीं रहे हैं, जब इसके 12वीं में ही 55% आ रखे तो 90% इसके साथ कैसे कम्पीट करेगा? और अगर मैंने इसे एडमिशन दे दिया तो जो बच्चे दिन रात पूरे साल मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। देखिए भाई, हम कुछ नहीं जानते, हमें बस अपने बेटे के लिए यहाँ पर सीट चाहिए, वरना अगर हम बात आगे करेंगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी मैडम साहब। देखिए मेले साहब, आपको जिससे बात करनी आप कर लीजिए, जिससे कॉल मिलाना आप मिला लीजिए। एडमिशन तो इसे हम दे नहीं पाएंगे बिकॉज रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। चलिए मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे आराम से मिलती हूँ। नमस्कार। चले। अरे नीरज, ये लाइट सुबह से गई हुई, अब तक आई क्यों नहीं है? मैम बिजली विभाग में बात की थी लेकिन वो कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रॉब्लम ऊपर से है। ऊपर से प्रॉब्लम है? नंबर दो मुझे, बात करती हूँ मैं। ठीक है मैम, भेज दिया आपको। ठीक है, थैंक यू, तुम जाओ। ओके। हाँ जी, मैं PDT कॉलेज की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। यहाँ सुबह से लाइट गई हुई है, अब तक आई नहीं है, स्टेटस क्या है? हाँ मैडम, ऊपर से प्रॉब्लम है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ तो अगर ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं तो बाकी जगह भी तो नहीं होनी चाहिए थी ना लाइट? हर जगह है, सिर्फ यहाँ की कटी हुई है। कब तक आएगी वापस? मैम टाइम कितना लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है, आप एमएलए साहब की बात मान जाइए, अभी लेट आ जाएगी। तो एमएलए साहब ने कटवाई है बिजली, ठीक है। नमस्कार प्रिंसिपल साहिबा। भाई क्या बात है, लाइट ही नहीं है यहाँ पर। एमएलए साहब, आप ये जो कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी ये तो शुरुआत है, हमारी बात को ना मानने का नतीजा। भाई आप हमारे बेटे को एडमिशन दे दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपके बेटे को एडमिशन नहीं दे सकती हूँ। अरे मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने हाथ बांधे रखिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि हमारे हाथ खुले हुए हैं। आज लाइट कटवाई है, कल को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई ट्रक आपकी गाड़ी को ठोक दे, या फिर आपका ये कॉलेज बंद हो जाए। देखिए जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप, समझे? पर सर। नमस्कार सर, मेरी बात सुनो। चलो। आप कौन? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमें ऑर्डर्स मिले हैं आपका कॉलेज बंद करने के लिए। What? अरे क्या कर रहे हो, रुको। क्या हो रहा है ये? आप पे और इस कॉलेज पे इनकम टैक्स फ्रॉड एंड इलीगल सोर्स ऑफ इनकम के चार्जेस लगे हैं, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक मिनट रुके, मेरी बात तो सुनिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। देखिए आपको जो भी बात करनी है आप हमारे सीनियर अथॉरिटी से कर सकते हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो। मैम मुझे आपको कुछ बताना था। कुछ नहीं बचा नीरज, उस एमएलए ने हमारे कॉलेज को बंद करवा दिया और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैम आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरीका है इन सब से निकलने का। क्या?
मैम उस दिन जब बिजली कटी थी और MLA सर यहाँ आए थे, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, तो मैंने MLA सर की एक वीडियो बना ली है जिसमें वो आपको धमकी दे रहे हैं। देखिए ये है वो वीडियो। क्या? पर तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैम मैं डर गया था, मुझे लगा MLA सर कहीं मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुँचा दे। मैं समझ सकती हूँ, पर तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, और ये वीडियो बनाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस MLA ने हमको बहुत परेशान किया है, बहुत धमकाया है, पर बस चलो। सर सर ये वीडियो देखी आपने? क्या है सर? पूरे सोशल मीडिया में वायरल रखी है वीडियो। ये क्या कर दिया इन्होंने? सर CM साहब का फोन। नमस्कार CM साहब, कैसे हैं? हाल चाल बाद में लेना, बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा तो कॉलेज बंद करवा दोगे? अरे नहीं मंत्री जी, आप समझिए। तुम्हें अंदाजा भी है इससे कितना नुकसान हुआ है पार्टी के रेपुटेशन को। जल्दी कॉलेज खुलवाओ वरना तुम्हारी सीट तो जाएगी ही जाएगी, तुम पे इंक्वायरी भी करवा दूंगा। एक मिनट सुनिए, मैं सब ठीक करवाता हूँ। हेलो गाड़ी निकालो। चलो नमस्कार प्रिंसिपल साहिबा। अरे MLA साहब आप यहाँ, क्या बात है, बेटे को साथ में नहीं लाए एडमिशन के लिए? देखिए प्रिंसिपल साहिबा, मैं आज एडमिशन नहीं माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आपको पता है जितना जोर आपने मुझ पर और इस कॉलेज पर लगाया ना, अगर उतना ध्यान आप उसकी पढ़ाई पर लगाते तो आज वो अपने मेरिट के बेसिस पर एडमिशन पाता और आपका नाम रोशन करता। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके बेटे के एडमिशन के चक्कर में आपने कितने बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया है। मैं अपने पावर के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आप दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा, और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मेरा बेटा उसी कॉलेज में एडमिशन लेगा जहाँ का वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर।